हेलो दोस्तों, मैं शंकर कुमार अपने यूट्यूब चैनल बीएस पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रेपोजिशन के पार्ट टू को देखेंगे। पार्ट वन हम लोग पहले देख चुके थे, जिसमें से हम लोग यह देखे कि प्रेपोजिशन ऑन और विद का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग उसका पार्ट टू देखेंगे कि प्रेपोजिशन इन और इनटू में क्या डिफरेंसेस है। इन और इनटू का मतलब में ही होता है, लेकिन दोनों का यूजेज अलग अलग है। तो आज हम इस यूजेज के बारे में समझेंगे या जानेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह के वीडियोस आप पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए सीधा चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन हमारा है प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करना सीखेंगे, कि इन का प्रयोग कहां पे करेंगे। इन का मतलब होता है में। देखिए, सबसे पहला इसका यूज होता है यूज्ड फॉर बिग प्लेसेस। जहां पे बड़ी प्लेसेस की बात करें, वहां पे हम लोग प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। तो एग्जांपल हमारा है, देखिए, वी लिव इन इंडिया, कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो यहां पे हम लोग इन का प्रयोग किए। इन हमारा प्रेपोजिशन है। He lives in greedy, वह greedy में रहता है, तो यहाँ पे हम लोग preposition in का प्रयोग किए। लेकिन अब सवाल ये आती है कि suppose that हम अपने गांव में रह रहे हैं, ठीक ना, तो गांव हमारा क्या, वहां पे preposition in होगा या तो फिर at होगा। इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जब भी जिस भी place पे हम रहते हैं, जिस भी जगह में हम रहते हैं, वहां पे preposition in का प्रयोग करना है। वहां पे क्या करना है, preposition इनका प्रयोग करना है। जैसे ही लिव्स इन अ विलेज, ही लिव्स इन अ विलेज, कि वह एक विलेज में रहता है। तो यहाँ पे देखिए, जिस प्लेस पे आप रह रहे हैं, वहां पे हम लोग प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। दूसरा प्रयोग हम लोग इसका देखते हैं, मैं के अर्थ में, लेकिन वाइडर एक्सटेंट ऑफ टाइम, ठीक ना, वाइडर एक्सटेंट ऑफ टाइम। जैसे इट इज कॉल्ड इन विंटर, अब ऑब्वियस सी बात है, इन विंटर का टाइम है, तो विंटर के टाइम में क्या होगा, कॉल्ड है, विंटर में कॉल्ड है। तो जब हम लोग टाइम शो करें, तो वहां पे जो है, जैसे विंटर का सीजन है, ठीक ना, फिर रेनी सीजन है, समर सीजन है, तो वहां पे हम लोग प्रेपोजिशन इन का प्रयोग कर सकते हैं। आगे इसका कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आए। जैसे आई वॉक इन द मॉर्निंग, जैसे हमारा है आई वॉक इन द मॉर्निंग, कि मैं मॉर्निंग में वॉक करता हूं। अब देखिए, यहाँ पे भी हमारा टाइम है, तो जब भी मॉर्निंग का बात करें तो वहां पे हमेशा इन द मॉर्निंग होता है। जब भी इवनिंग का बात करें तो हमेशा इन द इवनिंग होता है। जैसे आई वॉक इन द इवनिंग, आई वॉक इन द मॉर्निंग। ही केम हियर इन जनवरी, देखिए ही केम हियर इन जनवरी। अब यहाँ पे जनवरी, यहाँ पे भी मंथ का शो कर रहा है। अब ये जो मंथ का शो कर रहा है, तो ये भी तो टाइम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जब भी कोई मंथ का बात करे, तो वहां पे हम लोग प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे डेट डाल दे कि वह 10 जनवरी को आएगा, तो हम पिछले वीडियो में देख चुके थे कि 10 जनवरी अगर हम डाल रहे हैं, तो वहां पे हम लोग प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। लेकिन सिर्फ मंथ का नाम दिया, जैसे जनवरी, ही कैम हियर इन जनवरी, यही देता, सी कैम हियर इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, इस तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। रानी केम हियर इन 1995, कि रानी जो है 1995 में आई, तो रानी जो है 1995 में आई, तो यहां पे देखिए, ये हमारा पूरा ईयर का बात करें, 1995, 1996, ठीक ना, इस टाइप से हम लोग इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहां लिख सकते हैं, रानी केम हियर इन 1996, रानी केम हियर इन 2005, रानी केम हियर इन 2010। तो जब भी ईयर का बात करें, तो वहां पे हम लोग प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक और बोले कि जब कोई डेट रहे, सॉरी, जब कोई दिन रहे, जैसे वह मंडे को आएगा, तो हम लोग पिछले वीडियो में देखें कि ही विल कम ऑन मंडे, तो वहां पे प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग किए। लेकिन अगर वहीं पे वीक दे दिया कि वह इस वीक में आएगा, तो इन वहां पे यूज करेंगे, ही विल कम इन दिस वीक, ठीक ना, कि वह इस वीक में आएगा। तो जब भी वीक आए, तो वहां पे हम लोग प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। तीसरा प्रयोग हम लोग इसका देखते हैं, तीसरा प्रयोग हमारा है
अवस्था के सेंस में, तीसरा हमारा क्या है अवस्था के सेंस में, दैट मीन्स कंडीशन के सेंस में। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं, रमन इज इन ट्रबल, रमन इज इन ट्रबल, कि रमन किसमें है ट्रबल में है, परेशानी में है, तो उसकी कंडीशन के बारे में शो किया जा रहा है, इसका आंसर प्रेपोजिशन इन का प्रयोग किए। अब रमन सुख में है दुख में है, तो ये सब सारा क्या है उसका कंडीशन को शो कर रहे हैं। ही इज इन डेप्ट, वह कर्ज में है, वह कर्ज में या उसके ऊपर कर्ज है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक कंडीशन शो कर रहा है, इसका आंसर हम लोग प्रेपोजिशन इन का प्रयोग किए। अगला, ही इज इन डाउट, वह डाउट में है। क्लास चल रहा होता है, जब टीचर टीचिंग कर रहे होते हैं, मान लेते कोई भी स्टूडेंट्स थोड़ा सा थिंकिंग कर रहा है, तो बोलते क्या तुम्हें कोई डाउट है क्या, देखिए लगता है शायद उसे कुछ डाउट हो रहा है, वह कुछ पूछना चाह रहा है। तो जब भी कंडीशन की बात करें तो वहां से पहले हम लोग प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, रानी इज इन अ हरी, रानी हरी में है, जल्दी में है, कंडीशन शो कर रहा है। सी इज इन गुड हेल्थ, सी इज इन गुड हेल्थ, ये इसकी अवस्था के बारे में बता रहा है कि उसका हेल्थ कैसा है, अच्छा है, इसका आंसर हम लोग प्रेपोजिशन इन का प्रयोग किए। अब चौथा प्रयोग हम लोग देखेंगे के भीतर के अर्थ में, चौथा प्रयोग हम लोग देखेंगे के भीतर के अर्थ में। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, के भीतर के अर्थ में पहला एग्जाम्पल हमारा है कि देयर आर सेवन डेज इन अ वीक, देयर आर सेवन डेज इन अ वीक, कि एक वीक में कितने दिन होते हैं, सात दिन होते हैं। हम फिर यहां पे बोल सकते हैं देयर आर 30 or 31 डेज इन अ मंथ, फिर बोल सकते हैं देयर आर 365 or 366 डेज इन अ ईयर। तो जब भी भीतर का सेंस है कि एक सप्ताह के अंदर जो है भीतर सात दिन होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। जैसे लाइफ कंसिस्ट इन पैन एंड प्लीजर, कि लाइफ कंसिस्ट करता है किसमें, पैन में और प्लीजर में। अगला हम लोग फिर देखेंगे इसका कि पोशाक पहनने के अर्थ में, पांचवा प्रयोग हम लोग देखेंगे पोशाक पहनने के अर्थ में क्या करते हैं हम लोग प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है कि रानी वाज ड्रेस्ड इन सिल्क साड़ी। अब देखिए रानी वाज ड्रेस्ड इन सिल्क साड़ी, यहाँ पे पोशाक का बात कर रहा है, इसका आंसर प्रेपोजिशन इन का प्रयोग किए। द पियोन वाज इन यूनिफॉर्म, यहाँ पे भी पोशाक का बात किया जा रहा है कि पियोन किसमें, यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म उसका पोशाक है ना, ड्रेस है ना, तो इस कारण से हम लोग प्रेपोजिशन इन का प्रयोग किए हैं। जैसे रामू इज इन रेड कोट, रामू रेड कोट में है, रेड कोट पहना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इसका पोशाक का बात किया जा रहा है, इस कारण से हम लोग प्रेपोजिशन इन का प्रयोग किए हैं। छठा हम लोग देखते हैं, छठा हमारा क्या है कि के द्वारा के अर्थ में, जब भी के द्वारा का अर्थ है तो उसमें हम लोग प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, देखिए राइट इट इन इंक, दूसरा एग्जाम्पल है राइट इट इन पेंसिल। अब देखिए जब हम लोग पेन की बात किए थे, जब हम लोग क्या किए थे पेन का बात किए, तो पेन को हाथ से टच करके लिखते हैं, तो टच करके लिखते हैं, तो वहां पे हम लोग प्रेपोजिशन विद का प्रयोग किए थे, वहां पे क्या किए थे प्रेपोजिशन विद का प्रयोग किए थे। लेकिन जब भी इंक की बात करें तो वहां पे प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करना है, पेंसिल में इन का प्रयोग करना है। इट वॉज प्रिंटेड इन रेड, ठीक ना, इट वॉज प्रिंटेड इन रेड। देखिए अब यहाँ पे भी के द्वारा का मीनिंग दे रहा है कि प्रिंटेड किया गया किसके द्वारा, रेड के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है पेंट दिस पिक्चर इन गोल्डन कलर, कि इस पिक्चर को पेंट कीजिए किसमें, गोल्डन कलर में, या गोल्डन कलर के द्वारा पेंट कीजिए, तो के द्वारा के सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग प्रेपोजिशन इन का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए अब आगे हम लोग फिर इसका प्रयोग देखते हैं कि आगे इसका प्रयोग और कहाँ पे होता है। सातवां हमारा जो है वो था पैसा या कार्य को दिखाने के अर्थ में, पैसा या कार्य को दिखाने के अर्थ में, पैसा मतलब वो रुपया पैसा नहीं, प्रोफेशन बिजनेस। जैसे राजवीर इज इन द नेवी, अब देखिए नेवी क्या है, नेवी में हो गया है, ठीक ना, तो यहाँ पे जो प्रोफेशन को शो कर रहा है हमारा कि हम किसमें हैं, नेवी में हैं, बहुत गर्व की बात है कि हम लोग नेवी में हैं, देश के लिए है, तो राजवीर इज इन द नेवी, तो यहाँ पे हम लोग प्रेपोजिशन इन का प्रयोग किए हैं। आई एम इन पॉलिटिक्स, देखिए हमारा पैसा ही है पॉलिटिक्स करना, प्रोफेशन ही है पॉलिटिक्स करना, ठीक ना, हम राजनीति में है, तो आई एम
इन पॉलिटिक्स, तो यहां पे हम लोग प्रेपोजिशन इन का प्रयोग किए। नेक्स्ट हमारा है कि आठवां जो पॉइंट है वो दिशा को व्यक्त करने के अर्थ में, आठवां जो पॉइंट है वो हमारा है दिशा को व्यक्त करने के अर्थ में। तो एग्जांपल्स देखते हैं सीधा। पहला एग्जांपल्स हमारा है द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखिए सन राइजेस करता है कहां पे, ईस्ट में, कि सूरज जो है पूरब में उगता है, तो ये भी तो हमको क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन, दिशा, ठीक ना। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सन कहां पे सेट करता है, वेस्ट में, मतलब सूरज पश्चिम में डूबता है, सेट्स मतलब डूबना होता है ना, तो सूरज पश्चिम में डूबता है, तो यहाँ पे डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसका आंसर देखिए, यहाँ पे हम लोग प्रेपोजिशन इन और यहाँ पे भी हम लोग प्रेपोजिशन इन का प्रयोग किए। आज हम लोग फिर और देखेंगे कि इनके बाद इनटू देखना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि इन और इनटू में क्या डिफरेंसेस है, कहाँ पे हम लोग इन कर दे कहाँ पे इनटू कर दे। तो देखिए इन था स्टेबल के रूप में, स्टेशनरी के रूप में, लेकिन इनटू मतलब भी में होता है, लेकिन वहां पे हम लोग गति को दिखाने के लिए यूज करते हैं। किस चीज को दिखाने के लिए, गति को दिखाने के लिए। गति करने का मतलब जिसमें मोशन हो। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि जिसमें मोशन का बोध हो, जिसमें मोशन का बोध हो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अब मोशन वाला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जो पहला एग्जांपल हमारा है द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल। देखिए अब कोई वेल है, कोई कुआ है, सपोज दैट मान लेते हैं कि ये हमारा कुआ है, अरे मान लीजिए ना एक कुआ है, ठीक ना, ये हमारा कुआ, इसमें बहुत सारा पानी का लेयर है यहाँ तक। अब कोई चीज ऊपर से इसमें आ रही है, कोई चीज ऊपर से इसमें आ रही है, तो यहाँ पे ये क्या है, मूवमेंट में। इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, प्रेपोजिशन इनटू का प्रयोग करेंगे। अब एक फ्रॉग यहाँ पे है, एक फ्रॉग यहाँ पे, और ये जंप कर गया कहाँ पे, कुआं में, तो ये क्या हो गया, फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, तो यहीं पे इनटू का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज पहले से तो वहां पे तो इनका ही प्रयोग होगा, क्योंकि वो मूवमेंट में नहीं है, गति में नहीं है, मोशन में नहीं है। तो पहला एग्जांपल द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, दूसरा एग्जांपल द टीचर वेंट इनटू द क्लासरूम, टीचर जो है क्लासरूम के अंदर गया, ठीक ना, टीचर क्लासरूम के अंदर गया, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, मोशन शो कर रहा है। इस कारण से हम लोग क्या किए, प्रेपोजिशन इनटू का प्रयोग किया। बार बार बोल रहे हैं इनटू का प्रयोग हम लोग मोशन के लिए शो करेंगे। अब क्लास में गया तो मोशन तो है ना, ही गॉट इनटू माय कार, ही गॉट इनटू माय कार। अब यहां पे भी देखिए मोशन शो कर रहा है कि मेरे कार में गया, तो यहां पे मोशन शो कर रहा है। इसका आंसर हम लोग प्रेपोजिशन इनटू का प्रयोग किए। अब हम लोग इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। देखिए इनटू का हम लोग दूसरा प्रयोग देखते हैं, मैं बदल देने के अर्थ में, दैट मीन्स एक अवस्था से दूसरे अवस्था जब चेंज करते हैं तब वहां पे हम लोग क्या करते हैं, प्रेपोजिशन इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट कीजिए इसे किसमें, इंग्लिश में, हम हिंदी में सेंटेंस दिए आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अवस्था तो चेंज हो रहा है ना, बदल तो रहे हैं ना उसको, तो इसका आंसर प्रेपोजिशन इनटू का प्रयोग किए। स्नो मेल्ट्स इनटू वाटर, अब देखिए स्नो हमारा जो है, स्नो मतलब होता है बर्फ, बर्फ हमारा किस फॉर्म में है, वो हमारा सॉलिड के फॉर्म में है, मेल्ट्स मतलब होता है पिघलना, वाटर मतलब होता है पानी जो हमारा लिक्विड फॉर्म है, तो देखिए ये सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है, चेंज तो हो रहा, तो स्नो मेल्ट्स इनटू वाटर, तो देखिए बर्फ पिघलता है किसमें, वाटर में, तो चेंज हो रहा है। इसका आंसर प्रेपोजिशन इनटू का प्रयोग किए। द सेंट टर्न द माइस इनटू अ प्रिंसेस, बचपन में आप लोग एक स्टोरी पढ़े होंगे कि एक सेंट जो था, एक साधु जो था, वो क्या करता कि एक चूहे को प्रिंसेस बना देता है, ठीक ना, तो एक चूहे को प्रिंसेस बना देता है, ठीक ना, चूहे को एक प्रिंसेस बना देता है, दैट मींस एक चूहा जो है उसको एक राजकुमारी बना देता है, तो वो टर्न किया ना, तो अवस्था चेंज हो गया ना। इस कारण से हम लोग क्या किए, प्रेपोजिशन इनटू का प्रयोग किए। कुछ और एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं। देखिए कुछ और एग्जांपल्स जो हमारा है वो है डिवाइड इट इनटू फोर पार्ट्स, कि इसको डिवाइड कीजिए कितने पार्ट्स में, फोर पार्ट्स में। अब मान लेते हैं कोई ब्रेड हमारे पास है, ठीक ना, सपोज दैट कोई पिज्जा मंगा लिए खाने के लिए, हम लोग पिज्जा मंगा लिए, पिज्जा मंगाए चार दोस्त हैं, एक ही पिज्जा मंगाए, तो क्या बोला, अरे बराबर बराबर काटो ना थोड़ा सा, तो क्या है कि बराबर बराबर जो डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा हो गया डिवाइड इट इनटू फोर पार्ट्स, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चेंज कर दिए, पहले बड़ा साइज था छोटा छोटा हो गया, तो यहाँ पे हम लोग प्रेपोजिशन इनटू का प्रयोग किए। जैसे सपोज दैट निशा चुनाव लड़ रही है, एग्जाम्पल लेते हैं, निशा चुनाव लड़ रही है, तो बोल सकते हैं निशा कैम इनटू पावर इन 2010, कि निशा पावर में कब आई,
2010 में आई। तो देखिए पावर, अब सचिन जो गया ना, पहले वो जनरल आदमी थी लेकिन एमएलए बन गई, एमपी बन गई। तो कंडीशन चेंज होने के बाद, जो है अवस्था चेंज होने के बाद, वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि प्रेपोजिशन इनटू का प्रयोग करते हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं इसका तीसरा प्रयोग। चलिए तीसरा प्रयोग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर अवश्य कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।